नमस्ते, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्मार्ट ओपीडी एप्लीकेशन। देखते हैं स्मार्ट ओपीडी एप्लीकेशन कैसा है। यह है स्मार्ट ओपीडी एप्लीकेशन की लॉगिन स्क्रीन। मैं लॉगिन करता हूँ अभी। एडमिन, यूजर नेम, पासवर्ड एडमिन, लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप ये स्क्रीन देख सकते हैं। पेशेंट काउंट है अभी तक 3, रिसीव्ड अमाउंट टुडेज 300, बैलेंस अमाउंट जैसे कि पेशेंट से आप कुछ पैसा लेना बाकी है तो बैलेंस अमाउंट में दिखेगा। ओपीडी टोटल ये है आज की टोटल 300 रुपी। अभी आपको मास्टर के बारे में बताता हूँ। मास्टर, एक्सपेंस मास्टर, कॉस्ट कितना खर्चा हुआ किस एक्सपेंस के ऊपर, और रिमार्क भी डाल सकते हैं आप। ये रिकॉर्ड सेव करके रख सकते हैं। मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन, इसमें आप प्रिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं जैसे क्रोसिन, अलग अलग प्रकार की दवाएं या अलग अलग प्रकार के मेडिसिन ड्रग्स वगैरह यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करना है तो यहाँ जो नाम है, जो दवा दी है उसका नाम ऐड कर सकते हैं। वो मास्टर में हमेशा के लिए अवेलेबल हो जाएगा आपको। ऐड आफ्टर डिलीट, इस पे क्लिक किया तो अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। न्यू ऐड करनी है तो न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। या सर्च फैसिलिटी भी है, बहुत सी अलग अलग प्रकार के आप मेडिसिन ऐड करेंगे तो आपको सर्च करना है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। दूसरा प्रॉम्प्ट फॉर्म है ईयर, ईयर ऐड कर सकते हैं। मैंने एक ऐड करके रखा है 2019। डोसेज, टाइम, कॉल डेज। अभी डॉक्टर, जो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें किसी को वो उनको डोसेज देने हैं पेशेंट को, तो वो कैसे देते हैं, जैसे एक चम्मच दोपहर को, एक चम्मच रात को लीजिए, एक गोली रात को लीजिए, एक गोली सुबह लीजिए, उस तरह डोसेज रहते हैं। या आप है ना पहले से ही ऐड करके रख सकते हैं। अभी आपकी भाषा कौन सी है उस हिसाब से यूनिकोड लैंग्वेज भी इस एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ मराठी लैंग्वेज यूज की है। आता मी मराठी मध्ये सांगतो तुम्हाला। एक चमचा दुपारी, एक चमचा रात्री, एक दुपारी, एक रात्री जेवणानंतर, अशा प्रकारे औषधे डॉक्टर देतात। जो मेडिसिन डॉक्टर दे रहे हैं, आपकी भाषा में या आपकी यूनिकोड लैंग्वेज में यहाँ ऐड कर कर रख सकते हैं और वो बाद में आपको यूज होगा। समरी बाय डेट, यहाँ रिपोर्ट है। जैसे कि आपको इस मंथ की समरी देखनी है, आपने मंथ सिलेक्ट किया, ईयर सिलेक्ट किया, ईयर सिलेक्ट करने के बाद डेटा बाय ईयर एंड मंथ, फिर इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पेशेंट कितने आए इस महीने में। 3 पेशेंट आए। रिसीव्ड अमाउंट 300, एक्सपेंस अमाउंट नो 0, इनकम अमाउंट 300, बैलेंस अमाउंट जो आना बाकी है पेशेंट से वो 0, ओपीडी टोटल 300। इस तरह यह डेटा
बाय मंथ है, डेटा बाय ईयर भी है, डेटा बाय डेट भी है, पर्टिकुलर डेट का ही देखना है तो। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में पेशेंट रिपोर्ट्स है, बैलेंस अमाउंट ऑफ पेशेंट्स, बैलेंस अमाउंट ऑफ पेशेंट देख सकते हैं आप। अभी कुछ बैलेंस होगा तो दिखेगा, बैलेंस ही नहीं है तो बैलेंस नहीं दिखेगा। बाय डेट, बाय मंथ एंड ईयर एंड बिटवीन डेट्स। एक्सपेंस रिपोर्ट, खर्चे का रिपोर्ट भी देख सकते हैं, बाय डेट, ईयर एंड मंथ एंड बिटवीन डेट। सर्टिफिकेट, यहाँ सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट एंड ब्लैंक। प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तो वो भी ऐड किया हुआ है। सेटिंग्स में बैकअप फैसिलिटी है, लॉगआउट फैसिलिटी है, हाइड एंड शो समरी है। ओके, अभी हम देखते हैं कि जैसे पेशेंट आता है तो हम ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज करेंगे। अभी सपोज एक पेशेंट आता है एक्स वाई जेड करके, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, उससे कितनी अमाउंट रिसीव हुई है वो यहाँ डाल सकते हैं। जैसे आपको अभी एक्स वाई जेड मैंने डाला तो उसकी हिस्ट्री है ना यहाँ दिखाई दे रही है हमें, उसका बैलेंस 50 रुपी लेना बाकी है। ओके, हम पिछली हिस्ट्री भी देख सकते हैं, उसका बैलेंस कितना बाकी है, 50 रुपी। और नया अभी फिर से एक बार जो पेशेंट आया है एक्स वाई जेड करके, अभी उससे हम कितनी अमाउंट ले रहे हैं, जैसे 150 अमाउंट ले रहे हैं, बैलेंस अमाउंट 0 है अभी। और नंबर डाल सकते हैं, फाइंडिंग्स 1, ट्रीटमेंट फीवर, एज 70, वेट 60, पल्सेस 120, बीपी 98, टेम्परेचर 37, जो आपको डालना है वो डाल सकते हैं आप। बाकी यहाँ जो हमने मास्टर में ऐड किया है वो यहाँ दिख जाएगा आपको, सेलेक्ट के लिए क्रोसिन, कौन सी दवा दे रहे हैं, क्रोसिन, टोटल क्वांटिटी कितनी दे रहे हैं, 6, कितने दिनों के लिए। अभी ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया यूनिकोड लैंग्वेज में, 6, और ड्यूरेशन 3 डेज, यहाँ आ गया मराठी में 3 दिवस। अभी टोटल डोसेज, अभी जैसे कि एक रात को एक सुबह को मैंने 1 टाइप किया तो ये मराठी में आ गए, एक सकाई एक रात्रि जवानंतर, जैसे एक सुबह एक रात को खाने के बाद। ये करने के बाद प्लस साइन पे क्लिक किया, और प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद ये रिकॉर्ड सेव कर सकता हूँ या प्रिंट भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ प्रिंटिंग नहीं कर सकते, पहले आपको सेव करना पड़ेगा। सेव, ने सेव किया, एक्स वाई जेड पेशेंट ऐड हो गया। अभी देख सकते हैं पेशेंट काउंट 4, रिसीव्ड अमाउंट 450, टोटल अमाउंट है 2 डेज की। अभी जो एक्स वाई जेड है उसका प्रिस्क्रिप्शन हमें प्रिंट करना है तो उस पर क्लिक करना है और प्रिंट बोलना है। अभी देख सकते हैं आप क्रॉसिंग, एक सुबह एक रात को खाने
खाने के बाद 3 दिन लेनी है गोली और उसकी क्वांटिटी है 6। ये मेडिकल वाले को और आपको भी इसका यूज होगा, ठीक है। ये है हमारा स्मार्ट ओपीडी एप्लीकेशन। अभी आपको तो पूरा तो बता दिया, यहाँ थीम भी हम चेंज कर सकते हैं, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, और ये है। अभी आपको जो थीम रखनी है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी ये एप्लीकेशन क्लोज करता हूँ। जैसे मैं क्लोज पे क्लिक किया, वार्निंग, यू हैव नॉट परफॉर्म्ड और डेटा बैकअप फॉर 1085 डेज, वी हाईली रिकमेंडेड दैट बैकअप योर डेटा, वुड यू लाइक टू डू यू दैट नाउ। हम ये बैकअप लेने के लिए पूछ रहा है, हमें बैकअप लेना है तो यस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं लेना है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं नो बोल देता हूँ फिलहाल। ओके थैंक्स फ्रेंड, ये एप्लीकेशन अच्छा है, आपको ये मिल सकता है, मगर आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।